हमको एज का मतलब जब हमको ताज्जुब हुआ, उसने बताया वो इंग्लिश जानती थी। क्या हुआ? वो इंग्लिश जानती थी। क्या हुआ? क्या हुआ? किधर हो गया एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हो गया, बताया इधर, एक मिनट रुको। एक्सीडेंट, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? अरे बहन चो, देखो भैया ये मसूद का इधर से ये बस, ये क्या गाड़ी में शायद ये एम्बुलेंस भी खड़ी है, पुलिस वाले भी खड़े हैं। ये एक पीड़ित इधर बैठी बेचारी, एम्बुलेंस दे। ये आगे खड़ी था ख्याल से, ये लड़की है इधर। ये तीसरी गाड़ी ये थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। पूरा जाम हो गया रोड है भाई, तीन गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ था। ये वो गाड़ी ना उधर से जा रही थी, एक गाड़ी उधर से जा रही थी, वो लड़की चला रही है ना, वो उधर बैठी है। दो गाड़ियों में, एक इसमें और एक उसमें एक्सीडेंट हुआ था। ये उधर से उछल गई तब जाके हुआ। इस रोड पर कैमरा है नहीं, लोग भगाते हैं, इतनी गलत तरीके से भगाते हैं, इसीलिए इस रोड से ऐसे मोड़ ना चलाते हैं। अभी बताता हूँ एक्सीडेंट कैसे हुआ था। इस गाड़ी वाले ने पी रखी थी, दारू पी के चला रहा था गाड़ी। एक गाड़ी वो उधर से, वो उधर जाके कर रही थी, यहाँ पर अलाव नहीं है कि ऐसे मोड़ के लाते, पूरा उधर से घुमा के लाना होता है। तो ये आ रही थी उधर से रेस में, तो वो उस गाड़ी से भिड़ी, ये आके पड़ी इधर से मसूद का आ रही थी, ये पैसेंजर वाली, इससे आगे टकराई है। फिर ये किससे हुई है उसमें टक्कर? तो इस गाड़ी में और उस गाड़ी में हुई थी, उधर खड़ी है ना ये गाड़ी खड़ी, इसमें इस गाड़ी में हुई थी टक्कर, इन दोनों में हुई थी। लेकिन जब ये आके इधर पड़ी तब जाके इससे हुई। तीन एम्बुलेंस आ गई अब तक, एक ये एम्बुलेंस खड़ी, एक वो खड़ी, तीसरी एम्बुलेंस है ये। अभी ज़्यादा चोट तो नहीं आई किसी को, वैसे ही मतलब कर रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई किसी को। ज़्यादा लोग बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग मतलब बूढ़ी औरतें थी, वो तीन चार बैठी हुई एम्बुलेंस में, और दो तीन लड़के कॉन्शियस में, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बीमार लग रहे हैं, ड्रिप रिप चल रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इतनी भीड़ देखो भाई साहब, भीड़ ही भीड़ आ गई। ये पुलिस वाला खड़े हैं, इसमें ट्रीटमेंट हो रहा कुछ पेशेंट का। तीन तीन एम्बुलेंस आ गई, चौथी एम्बुलेंस और आ रही है। अभी टू 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 हो रही थी भैया। अभी पुलिस वाले सिर्फ दो ही हैं इधर, पूरी सिचुएशन को संभाल रहे हैं। अभी गाड़ी बीच रोड पर खड़ी है, इतना तगड़ा जाम लग रहा है आधे किलोमीटर तक का। हम सोच रहे थे अभी जाम क्यों लग रहा है इतना, हम उधर ही उतर गए थे, हमने देखा तो भाई साहब बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ उधर। जापान के लोगों ने गिफ्ट करी, जापान के गवर्नमेंट ने ये लिखा हुआ है फ्रॉम द पीपल ऑफ जापान। ये भी तो और कहीं की है वो, ये भी यहाँ, ये देख टर्की की है, टर्की की है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की। ये भी मरीज को लेके, हाँ ये मरीज को लेके जा रही है भाई। चार चार, इतनी फैसिलिटी तो शायद इंडिया में भी नहीं होती होगी भाई। बहुत जबरदस्त फैसिलिटी है ये, चार एम्बुलेंस आई है। इंडिया में भी फैसिलिटी ऐसी होती है, क्यों नहीं होती? चार एम्बुलेंस यार, ये तो गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। बहुत गंदी आवाज है, ये भी जा रही है। गांव के लोग तो डर जाते हैं इसी आवाज को सुन के। ये जा रही है, भी जा रही है। सब में एक पेशेंट है। अरे भाई साहब, ऐसा शोर सा हो रहा है। जाम देखो, जाम चले अब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, चलो चलते क्या भैया, अब इन्वेस्टिगेशन होगी। तब से वो देखो गाड़ी ना, इसको यहीं पड़ी थी, किसी ने भी सरकाया नहीं, दूसरे पुलिस वाले आए थे, तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी। पहले उनको ट्रीटमेंट दिया गया था यहाँ पे, तीन चार एम्बुलेंस आई, वो लड़की उसमें बैठी है, एक भाई साहब उसमें, ये गाड़ी
ये गाड़ी उधर से घूम रही थी, उधर से आ रही थी गली में से, जो दूसरी गाड़ी वो बहुत तगड़ी स्पीड में जा रही, इससे उछट के फिर जाके मुसूत वहां से लगी है। तो गाइस अभी अब आ गए फ्लैट पे और मैं आपको बताता हूँ स्टोरी हो क्या थी। हम निकले तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था मसूद का में, तो हमने बोला कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, हम यहीं उतर जाते हैं, हम 50 मीटर मुश्किल से पहले उतरे होंगे। हमारे बिल्कुल फ्लैट के बगल में हुआ, तो बिल्कुल फ्लैट के पीछे एक्सीडेंट हुआ था हमारे थे। मैं व्लॉगिंग कर रहा था, मैं आपको स्टोरी बता रहा था बुढ़िया वाली, वो बाद में बताऊंगा। तो हुआ क्या था, हम आए एकदम से, हमको दिखी लाइट, मैं उधर के दूसरे वाले रास्ते से होकर था, मोलर फजलू बोले कि चल चल इधर से शायद एक्सीडेंट हुआ। मैंने कि चलो देखते हैं, ठीक है। वहां जाके देखा तो भाई साहब एक दूसरे एक शराबी ने दूसरे वाली गाड़ी में ठोक दी, वो उछल के आई मसूद का पे आगे गिरी, जो कि पैसेंजर मसूद का थी 118 नंबर। तो उधर जाके फिर देखा हमने, तीन चार वो आई थी, एम्बुलेंस आई थी लेके चली गई, कोई ज्यादा चोट नहीं आई, मेजर माइनर थी। और एक दो लड़की को तो वो भी एंजाइटी अटैक वो सब आ गए थे, वो पैनिक हो गई थी बहुत ज्यादा, वो बेहोशी हो गई थी एकदम, उसको उठा के फिर 2-3 पुलिस वाले, फिर वो मासूम वो क्या नाम है वो क्या बोलते हैं एम्बुलेंस गई। अब जाके वो पुलिस वाले आए जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले, और बीच में गाड़ी खड़ी थी वो वाली, तो उसको हटाया नहीं गया था। हमने सोचा इसको क्यों नहीं हटा रहे, उसमें एक लड़की बैठी थी। तो उसके बाद में अब इन्वेस्टिगेशन जो भी है चल रही है, हम तो इधर आ गए भाई साहब, बहुत तगड़ी भीड़ हो गई थी, बहुत ज्यादा भीड़। और अपन तो इंडिया में क्या है कि रोने बिल्ला लग जाते हैं, यहाँ चुपचाप थे, कोई ज्यादा वही नहीं था, मतलब कि वीडियो बना रहे थे कुछ लोग, मैंने सोचा शायद कि कोई ऑफेंड हो जाएगा इसलिए, लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा था वीडियो बना रहे, मैं चलो मैं भी बना लेता हूँ। तो ये सब था। उससे पहले मैं एक स्टोरी सुना रहा था, हाँ मसूद का में हमको एक दादी मिली थी, वो भी थी 52 साल की, लेकिन हमको लग रहा था वो 60 साल से ऊपर है। भाई साहब वो पढ़ रही थी, वो इंग्लिश जानते थोड़ी बहुत, फजलू के बस स्टैंड पर खड़े थे, जो फजलू से बात करने लग गई ऐसे, फिर मसूद काम उसी मसूद काम चढ़ गई, हम बात करते हुए आ रहे थे, वो बोल रही थी कि तुम कहाँ के हो, ये सब क्या कर रहे हो, हमने ये सब बताया, तो बोल रही थी मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने है 52 साल की, मैंने बुढ़िया कोई मेडिकल स्टूडेंट हो, हाँ सच में बोल, मैं वो थी उसमें जनरल डिपार्टमेंट थी शायद, गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो बोल रही थी मैं सेकेंड ईयर में हूँ और पढ़ रही हूँ ये सब है, मैं हमको शौक आ गया। तो बोली सच में, हाँ मैंने कि हो गया भैया, जैसे अभी उससे बात करके जैसे उतर रहे थे एक्सीडेंट हो गया, अभी फ्लैट पे आ गया, अभी खाना वाना बनाएंगे, जो भी होगा करेंगे। तो ये एक रैंडम ब्लॉग था, रैंडम मैंने सोचा ऐसे बना लेता हूँ, कल शायद हम मंदिर जाएंगे तो मंदिर का भी दिखाऊंगा। तो यही था आज का ब्लॉग, और ये कैसा लग रहा बताना भैया। ऐसे ही बिस्केक से मैंने फर्स्ट ईयर में ये ली थी टी शर्ट ली थी, उस पर ये प्रिंट करवाया था गुर्जर यहाँ ही। तो व्लॉग कैसा लगा है बताना कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा पका पका। ठीक है भैया, दिल दहल जाता है ये सब देख के, लेकिन अब पूरी जिंदगी यही देखना, आप डॉक्टर बन गए तो ये सब देखना ही पड़ेगा, इसलिए ठीक है। फिर जो आँख होती है वो तुमको हिली दिखा देगी, क्योंकि वो आँख बंद करने में प्रेशर लगाती रहती है ना, वो तुम ऐसे करोगे, अब जैसे कोई बेहोश है तुम वैसे खींचोगे तो तुमको लग जाएगा कि तुमको फोर्स नहीं लगेगा। गांव में ज्यादा ही होते हैं, गांव में ज्यादा होते हैं ये सब, मतलब वैसे करते हैं वाले, औरतें ज्यादा करती है गाँव में, औरतें ज्यादा करती है जो मतलब जिनको घर बार से परेशान हो ज्यादा, परेशान आती है, बेहोश हो जाती है, बेहोश एकदम आएगी, मालूम पड़ा कार में कतई लेटी ठीक ठाक चली जा रही है, हाय हाय बेहोश बनी भाई। फजलू के हॉस्पिटल है, फजलू देखता रहता है इनके गांव में, तो ये सब सिचुएशन बता रहा था कि यहाँ तो बिल्कुल, यहाँ तो पता ही नहीं लगा, कोई रो ही नहीं रहा था, कोई नहीं रो रहा है, बस एक बेचारी को लड़की को पैनिक अटैक, हाँ लड़की को पैनिक अटैक आया था, वो बाद में उसको सही कर दिया था उधर लेट आगे, उसका बीपी चेक किया। नहीं इंडिया में तो रो राट मच जाता भीड़, लेकिन बरोबर थी यहाँ इंडिया की तरह कतई, अरे इंडिया से कम थी देखना पड़ेगा।